प्यारे साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम एक गूगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग हेडिंग्स हैं। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट 5 पेज, 7 पेज, 10 पेज, काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंट है। और हमें एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए, उसे पढ़ने के लिए, रेफर करने के लिए डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करना पड़ता है, और ये चीज़ हमें काफ़ी पीड़ादायक लगता है और कई बार ऐसा लगता है कि हमारी समय की भी बर्बादी हो रही है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कैसे? गूगल डॉक्यूमेंट में इंसर्ट मेन्यू बार में एक टूल दिया गया है, बुकमार्किंग। अब आप सोच के देखो, बुकमार्क कहाँ पे इस्तेमाल होता है? किताब जब होती है, किताब में हम बुकमार्क लगाते हैं, जब हमें उस पर्टिकुलर पेज पे जाना होता है हम इंस्टेंटली वहाँ चले जाते हैं, एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं उस बुकमार्क की मदद से। वैसे ही डॉक्यूमेंट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए ये बुकमार्क टूल काफ़ी लाभदायक है। तो चलिए सीखते हैं बुकमार्क कैसे बनाएं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा डॉक्यूमेंट 7 पेज का है और इसमें अलग अलग सेक्शंस और अलग अलग टाइटल्स हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, 5 नंबर पर ये है बुकमार्क टूल कैसे इस्तेमाल करें। इसको मैंने पूरा का पूरा सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए और बुकमार्क लिख दिया। तो सबसे पहले जहाँ से हमें कनेक्ट करना होता है उस पे हम बुकमार्क को लगाते हैं। तो अब देखते हैं चौथे नंबर पे क्या है, गूगल ड्राइंग, डॉक्यूमेंट के अंदर ड्राइंग। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इंसर्ट और उसके बाद बुकमार्क। तो इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पे है गूगल डॉक्यूमेंट में इमेज, इंसर्ट और फिर बुकमार्क। चलिए अब देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या है, लैंग्वेज या भाषा का चयन। ठीक है, इंसर्ट और मैंने यहाँ पे क्लिक किया बुकमार्क। उसके बाद पहले नंबर पे पेज सेटअप, ठीक है, इंसर्ट और फिर बुकमार्क। चलो अब जो भी मान लो इसको डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए आएंगे या रेफर करेंगे, तो डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर, टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात नहीं कर रही मैं, बुकमार्किंग की बात कर रही हूँ, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, नेविगेट करने के लिए बुकमार्क्स की सुविधा है। तो पहला बुकमार्क था टाइटल हमारा पेज सेटअप। तो चलो मैं फटाफट से टाइटल सेट करती हूँ, वॉइस टाइपिंग टूल का इस्तेमाल करूँगी। भाषा का चयन हिंदी। तो आप देखो साथ साथ सीख रहे हो कि वॉइस टाइपिंग भी हम कैसे कर सकते हैं। मैं हिंदी भाषा में वॉइस टाइप करना चाहती हूँ, मैंने हिंदी सिलेक्ट कर ली। पेज सेटअप, इमेज, बुकमार्क, चलो फिलहाल ये 3 लेते हैं। मैंने पेज सेटअप को सिलेक्ट किया और यहाँ पर देख रहे हैं इंसर्ट लिंक क्लिक किया, तो ये पूछेगा किसके साथ लिंक करना है। तो यहाँ नीचे आपको दिख रहा है बुकमार्क्स, बुकमार्क पे क्लिक किया और यहाँ नीचे है पेज सेटअप। पेज सेटअप का पेज सेटअप के साथ लिंकिंग हो गई, अप्लाई कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ नीला रंग आ गया और नीचे अंडरलाइन आ गया, इंडिकेशन है कि भाई बुकमार्क ऐड हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट है इमेज। इमेज को मैंने शब्द को सिलेक्ट किया, फिर लिंक पे क्लिक किया, बुकमार्क पे गई, इमेज 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 डॉक्यूमेंट में इमेज, अप्लाई। फिर मैंने सिलेक्ट किया बुकमार्क और लिंक एंड देन बुकमार्क्स और नीचे आ गया बुकमार्क, अप्लाई। अब देखो वर्क कैसे करेगा, पेज सेटअप पे क्लिक किया, नीचे बुकमार्क आया, देखो कहाँ पहुंच गए हम, सीधा के सीधा पहुंचे पेज सेटअप पे। अब देखो नेक्स्ट, इमेज पे क्लिक किया, बुकमार्क पे गए, देखो इमेज कैसे स्थापित करें, उस जगह पे पहुंच जाएंगे जिससे हमने जोड़ा है।